जरा ऊपर जरा वीडियो वाले ये कुतुर बाजू आटा से कुतुर ओ फोन भाई ओ फोन अरे मोबाइल मोबाइल ओ भाई अरे यार तू हमें सुन ले तू कर ले फिर अरे भाई ये गलत है आगे खड़े हो गए दो फोन लेके ऊपर आओ ना अभी भी भाई अच्छा ये प्रश्न मोबाइल फोन ना तो कर लीजिए यार भाई आगे पूरा फ्रेम नहीं मिल रहा है ये आशिम नीचे कर आशिम भाई नीचे दरवाजा बंद करो हैप्पी बर्थडे मैम ऊपर 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 फर्स्ट फ्लोर पे हाँ जय माता दी क्या कर रहे हैं क्या बात है लुक कैमरा मैम यहाँ पर ऊपर 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 शेड्यूल होता है वो हमेशा से वो निकाल कर अपने फैमिली को देना वो कितना इम्पोर्टेंट होता है फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है काम चाहे कितना भी हो दुनिया में आखिरकार जब आप आखिरी सांस लेते हो तब आपकी फैमिली आपके पास होती है तब आपका काम नहीं होता आप जब आप यू नो व्हेनेवर यू नीड समबडी इट्स योर फैमिली हु इज़ देयर नॉट योर वर्क सो यस काम ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है एक फैमिली को कंफर्ट देने के लिए एक फैमिली को यू नो अपने आप को प्रूव करने के लिए काम बहुत ज़रूरी है लेकिन फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है और एक माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में इट्स अ नाइंथ बर्थडे क्या सोचा है फ्यूचर प्लानिंग कुछ तो आपने सोचा रहेगा आजकल के बच्चे अपना फ्यूचर खुद सोचते हैं हम लोग कौन माँ बाप का कौन सुनता है नहीं दे आर मोर इंटेलिजेंट आजकल के बच्चे अवेयर है हमारी तरह नहीं कि कुछ पता ही नहीं था मम्मी ने अगर रूपरेल कॉलेज में डाल दिया वहाँ ही जाना है तुमको तो वहीं जाएंगे ऐसा नहीं था आजकल के बच्चे वेरी अवेयर उनको एग्जैक्टली पता है क्या है और कितने सारे एवेन्यूज खुल गए हैं कितने सारे नए नए जॉब्स आ गए हैं कितने सारे नए यू नो प्लेसमेंट्स एवरीथिंग सो बच्चों को क्या हम लोग क्या फ्यूचर प्लानिंग करेंगे बस उनको अच्छा एजुकेशन देने की प्लानिंग है और कुछ नहीं आप जब छोटी थी तो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट किस ढंग से होती थी क्या है मेरी बर्थडे बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती थी पापा के सारे आर्टिस्ट आते थे आई यूज़ टू हैव अ बिग बर्थडे पार्टी टिल आई वाज 10 10 साल की थी तब तक बर्थडे सेलिब्रेट हुआ उसके बाद नहीं तो आर यू ऑल्सो थिंकिंग कि 10 साल तक के ही बर्थडे करना है उसके बाद एक्चुअली हाँ एक्चुअली वैसे ही होना चाहिए जब तक बच्चे बड़े हैं तब तक वो अपना डिसाइड करें बाद में तो फिर मम्मा गिव मी सम मनी फ्रेंड्स को ट्रीट पे लेके जाना यही होगा और क्या बट जब तक मैं इंजॉय कर सकूँ इम्पॉर्टेंट है कि मैं उसका बर्थडे इंजॉय कर सकूँ तो ये पार्टी उसके लिए नहीं है मेरे लिए क्या बना के खिलाया आपने मतलब
सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में आपने? उसका बर्थडे एक्चुअली था 25 तारीख को, तो या इट वाज ऑन थर्सडे, तो थर्सडे में मुझे छुट्टी मिली थी अनुपमा से एंड पूरा दिन मैं उसके साथ ही। उस दिन मैंने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, जैसे उसने अभी रिसेंटली कहा था स्टार पे मम्मा फ़ोन देखते, तो मैंने उस दिन फ़ोन को हाथ नहीं लगाया एंड अच्छा लगा, एक डिटॉक्स जैसा हो गया। अभी भी मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कहाँ है, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। नहीं तो अब सडनली ये क्या होता है ना कि आप मम्मी लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं और ऐसे फ़ोटो लेने में बिजी, अरे फ़ोटो लो, अरे मेरा बच्चा कूदा, फ़ोटो लो, मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो वो उसमें आप एक्चुअली वो पल को इन्जॉय करना भूल जाते हैं। तो आज मैंने अपना फ़ोन बाजू में रख दिया है, कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं मेरे पास एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग माय सेल्फ। जी शो की मैं बात करूँ, ये वीक सबसे क्रूशियल था, आने वाले वीक में क्या होने वाला है, ये वीक हमने काफ़ी कुछ देखा, अप्स एंड डाउन। विशाल मैं पहले भी कह चुकी हूँ, राजन शाही को CBI में होना चाहिए, मतलब उन्हें होना चाहिए सीरियसली। इट्स लाइक हमको ऐसा लगता है हम किसी बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे हैं, अगले एपिसोड के परे हमें कुछ नहीं पता होता। अनुज कुमार से बाहर हैं, अनुज कुमार से बाहर आ गया ऐसा वाला था, अच्छा अनुज का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा ऐसा, तो मतलब हमको कुछ नहीं पता होता है जब तक एपिसोड हाथ में नहीं आते और सिर्फ अगले दो एपिसोड हाथ में आते हैं। मैम यू नो नॉट जस्ट दिस ईयर, पिछले साल भी बहुत ही लकी रहे हैं अनुपमा के, वी ऑल नो हाउ मच यू नो आप कितनी सेंसिटिव है शो को लेकर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो हाउ वाज दिस ओवरऑल 2 इयर्स अनुपमा का, ये जो पूरा था कैसा रहा आपके लिए ये पूरा साल? मैं एक ही शब्द में कहूँगी, मतलब अनुपमा इज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो राजेश शाही की वजह से आज अनुपमा मेरी लाइफ में है एंड इट हैज़ गिवन मी अ सेंस ऑफ एक सेल्फ वर्थ, एक सेल्फ अवेयरनेस, एक सेल्फ लव विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कई बार ना अपने आप को पसंद करना, अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं। ये नहीं कह रहे कि किसी और से प्यार मत कीजिए, बहुत ज़रूरी है, फैमिली उनसे बहुत 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 प्यार कीजिए, लेकिन अपने आप से प्यार करना भूलिए मत। तो ये अनुपमा हैज़ गिवन मी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव एंड इट हैज़ टॉट मी सो मच। तो ये 2 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है प्रोफेशनली तो वो तो खैर आना जाना दुनियादारी है, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ तो रूपाली की जर्नी मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी रही है ये 2 साल। एक अवेयरनेस आई है कि यार यू नो लोगों से इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे उस लायक बनना है, उस प्यार को मुझे नहीं खोना है। चाहे यू नो अनुपमा की जर्नी है बहुत लंबी है, लेकिन भगवान ना करे कभी, एक तो कभी ना कभी, भगवान करे अगले 10 साल तक ऐसा ना सोचूं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजेश शाही के शोज़ हैं, कुछ भी स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए, अनुपमा चलना चाहिए, चाहे रूपाली रहे ना रहे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो बस वही कभी लगता है कि बस वो प्यार कभी ना जाए, जो आज प्यार मिल रहा है वो एडिक्शन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू विशाल, थैंक यू विशाल, विशाल आई रिमेम्बर यू, इसका नंबर।